Good morning all. I am Gunjan Chauhan. How are you? Fine. Okay. Now, today, we are going to read chapter 1, The Tale of Peter Rabbit. आज हम पीटर रैबिट की स्टोरी पढ़ेंगे. आपको एक एक्सरसाइज दी है यहाँ पर, कंप्लीट द टेबल. यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिया है, बॉक्स में आपको कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं. यहाँ पर आपको लिखना है कि आपके पापा मम्मी आपसे क्या क्या करने के लिए कहते हैं, और यहाँ पर लिखना है कि आपके पापा मम्मी आपको क्या चीज़ों के लिए मना करते हैं. तो आप ये बॉक्स की हेल्प से यहाँ पे फिल कीजिएगा. और आपको बी वाली एक्सरसाइज में क्या करना है, एक एक मम्मी पापा से पूछकर भी लिखना है यहाँ पर. अमीरा जो थी वो अपनी मम्मी की, उसकी मम्मी जो थी उसे, उसकी मीरा की मम्मी जो है उसे बहुत अच्छी अच्छी एडवाइस देती है, लेकिन मीरा उसे सुनती नहीं है. तो मम्मी की वार्निंग बताई गई है और मीरा जो सुनती नहीं है तो उसके साथ क्या होता है. डोंट फॉरगेट टू कैरी एंड अम्ब्रेला. उसकी मम्मी हमेशा बोलती है कि अम्ब्रेला ले जाना, मत भूलना, लेकिन मीरा भूल जाती है. तो मीरा जो है गॉट वेट, गीली हो जाती है. डोंट स्टे अप टू लेट, देर तक मत रहना. लेकिन मीरा क्या होता है, वो नहीं सुनती है, तो वो अगले दिन के लिए थक जाती है. फिर क्या मम्मी एडवाइस देती है कि डोंट ईट सो मैनी स्वीट्स, बहुत ज़्यादा स्वीट्स नहीं खाना. लेकिन मीरा नहीं सुनती है, वो खाती है तो उसको क्या हो जाता है, स्टोमक प्रॉब्लम हो जाती है. डू योर होमवर्क, मम्मी क्या एडवाइस देती है कि अपना होमवर्क करो, वार्निंग देती है. लेकिन मीरा नहीं सुनती है तो वो टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आती. तो इसलिए हमें जो हमारे बड़े कहते हैं वो बातें सुनना चाहिए. वंस अपॉन ए टाइम देयर वर फोर लिटिल रैबिट्स एंड देयर नेम्स वर फ्लॉपी, मॉप्सी, कॉटन टेल एंड पीटर. एक बार की बात है, चार छोटे खरगोश थे जिनके नाम थे फ्लॉपी, मॉप्सी, कॉटन टेल एंड पीटर. दे लिव्ड विद देयर मदर अंडर नीथ द रूट ऑफ अ बिग फर ट्री. वो जो है वो अपनी मदर के साथ एक फर ट्री की रूट के नीचे रहते थे. ठीक है, अंडर नीथ मीन्स नीचे, और फर ट्री जो होता है जिसमें पूरे ईयर जो है वो लीव्स रहती है, तो उस ट्री के नीचे वो रहते थे. नाउ माई डियर्स, सैड ओल्ड मिसेस रैबिट. ओल्ड मिसेस रैबिट उनकी मम्मी उनसे कहती है, नाउ माई डियर्स, मेरे प्रिय, You may go into the fields or down the lane, but don't go into Mr. McGeorge's garden. आप फील्ड, खेत में जाना, गली में जाना, लेकिन मिस्टर McGeorge's के गार्डन में नहीं जाना. Then old Mrs. Rabbit took a basket and her umbrella and went through the wood to the baker. और फिर मिसेस ओल्ड रैबिट ने क्या किया, बास्केट उठाई और अम्ब्रेला उठाया, छाता उठाया, और बूट के लकड़ी के रास्ते से बेकर की शॉप पे चली गई. फ्लॉपी, मॉप्सी एंड कॉटन टेल हु वर गुड लिटिल बनीज वैन डाउन द लैंड टूगेदर ब्लैकबेरीज. फ्लॉपी, मॉप्सी और कॉटन टेल जो थे वो अच्छे खरगोश थे छोटे, तो वो कहाँ गए, ब्लैकबेरी मीन्स काली अंची इकट्ठा करने के लिए लैंड गली में गए. But Peter, who was very naughty, ran straight away to Mr. McGeorge's garden. First he ate some lettuce and some French beans and then he ate some radishes. लेकिन जो पीटर था वो बहुत बदमाश, naughty rabbit था आपकी तरह, ठीक है, तो वो सीधे भागते हुए कहाँ गया, McGeorge's के garden में गया. वहाँ पर उसने क्या किया, सबसे पहले कुछ लेटस खाए, लेटस में सलाद के पत्ते खाए, उसके बाद उसने फ्रेंच बीन्स खाई, फ्रांसीसी फली होती है वो खाई, उसके बाद में उसने कुछ मूली खाई. एंड देन फीलिंग रेदर सिक ही वेंट टू लुक फॉर सम पर्सली. फिर उसे कुछ बीमारी सा महसूस हुआ, कुछ अच्छा नहीं लगा उसने, तो वो क्या ढूंढने लगा, पर्सली मीन्स अमचूर ढूंढने लगा. But there whom should he meet but Mr. McGeorge's. लेकिन वहाँ उसकी मुलाकात किससे हुई, Mr. McGeorge's से हुई. Mr. McGeorge ran after Peter
weighing a rake and calling out stop thief. मिस्टर मैकजॉर्जर्स जो है वो पीटर के पीछे भागने लगे. वेइंग रेक, रेक में सिर्फ घास लीव्स इकट्ठा करने का एक टूल होता है, वो उठा के वो उसके पीछे भागने लगे और बोलने लगे स्टॉप थीव, रुक जाओ चोर. पीटर वॉज वेरी फ्राइटेनेड, ही रश्ड ऑल ओवर द गार्डन बिकॉज ही हैड फॉरगॉटन द वे बैक टू द गेट. पीटर जो था वो बहुत डरा हुआ महसूस कर रहा था क्योंकि वह जो है और पूरे गार्डन में दौड़ रहा था क्योंकि वो जो है वो बाहर जाने का रास्ता जो है वो भूल चुका था. ही लॉस्ट वन ऑफ हिज शूज अमंग द कैबेजेस एंड द अदर शूज अमंग द पोटैटोस. उसने अपना जो एक शूज है वो कैबेज के बीच में छोड़ दिया, गोभी के बीच में, और एक शूज जो है वो आलू के बीच में छोड़ दिया. आफ्टर लूजिंग देम ही रैन faster so that he might get away altogether, but he got caught in a gooseberry net by the large buttons on his jacket. It was a blue jacket with brass button quite new. उन्हें खोने के बाद फिर वो और तेजी से दौड़ा और वो कहाँ फंस गया, गूसबेरी नेट में फंस गया, मतलब जहाँ चिड़ियाएँ फ्रूट वगैरह ये ना खा पाए तो उसके लिए गूसबेरी नेट लगाई जाती है, तो उसमें जाकर वो फंस गया. और उसके जैकेट के जो बड़े बटन थे वो वहाँ फंस गए. उसका जो जैकेट था वो ब्लू कलर का था और पीतल के बटन लगे हुए थे उसमें, और जो नया था वो वहीं उसका फंस गया. पीटर स्टार्टेड क्राइंग, पीटर रोने लगा. ही सोप्स वर हियर बाय सम फ्रेंडली स्पैरो. हम जब रोते हैं जब कैसी आवाज आती है ऐसे करके हम हिचके ले लेके रोते हैं, तो वो वैसे जब रो रहा था तो उसकी जो आवाज थी वो कुछ फ्रेंडली स्पैरो मतलब चिड़िया ने सुनी. दे फ्लू टू हिम एंड इनकरेज हिम टू ट्राई टू फ्री हिमसेल्फ. वे उड़ के उनके उसके पास आई और उसको वहां से जाने के लिए इनकरेज किया. सडनली मिस्टर मैकजॉर्जर्स केम अप विथ अ सीव. ही वांटेड टू पॉप इट ऑन टॉप ऑफ पीटर, बट पीटर एस्केप्ड जस्ट इन टाइम लीविंग हिज जैकेट बिहाइंड हिम. लेकिन वह अचानक कौन आ गए, छलनी लेकर वहाँ पर मैक जॉर्जस आ गए. वो क्या करना चाहते थे, वे पीटर के सिर पर वो छलनी मारना चाहते थे, लेकिन पीटर समय रहते ही वहाँ से भाग गया और उसका जैकेट जो था उसने वहीं छोड़ दिया. ही रश्ड इनटू द टूल शेड. वो पूरे टूल शेड में भागने लगा एंड जंप इनटू अ केन, और एक केन में कूद गया. It had a lots of water in it. उसके अंदर बहुत सारा पानी था. Mr. MacGyver was quite sure that Peter was hiding under one of the flower pot. He began to turn them over carefully, looking under each. Mr. MacGyver जो थे उन्हें लग रहा था कि पीटर जो है एक फ्लावर पॉट के अंदर छुपा हुआ है, तो उन्होंने हर फ्लावर पॉट को उठा उठा के देखना शुरू किया. प्रेजेंटली पीटर स्नीज्ड, कैच यू. मिस्टर मैकजॉर्जर्स रैन आफ्टर हिम, बट पीटर जंप्ड आउट ऑफ अ विंडो. द विंडो वॉज टू स्मॉल फॉर मिस्टर मैकजॉर्जर्स एंड ही वॉज ट्राइड of running after Peter, he went back to work. Peter को ने लेकिन चीख आई उसे, तो उसने चीखा catch you. तो मिस्टर मैकजॉर्जर्स जो थे वो उसके पीछे फिर भाग गए, बट पीटर जम्प्ड ओवर आउट ऑफ अ विंडो. लेकिन पीटर क्या है, विंडो से कूद गया. वो विंडो बहुत छोटी थी जिस कारण से मैकजॉर्जर्स जो है वहाँ से निकल नहीं पाए, और मैकजॉर्जर्स जो है
वो पीटर के पीछे भागते भागते थक गए, तो वो अपने वर्क पे काम पे वापस चले गए। पीटर बिगन लुकिंग अराउंड, पीटर ने चारों तरफ देखना स्टार्ट किया। ही फाउंड अ डोर इन अ वॉल बट इट वॉज लॉक्ड एंड देयर वॉज नो रूम फॉर ए फैट लिटिल रैबिट टू स्नीज अंडरनीथ। वहाँ पर उसे एक वॉल के वहाँ पर उसे एक डोर मिला, लेकिन वो लॉक था, उसकी नीचे इतनी स्पेस नहीं थी कि एक फैट लिटिल रैबिट वहाँ से बाहर निकल सके। एन ओल्ड माउस वॉज रनिंग इन एंड आउट ओवर द स्टोन डोर स्टेप। पीटर आस्क्ड हर द वे टू द गेट बट शी हैड सच अ लार्ज पी इन हर माउथ डेट शी कुड नॉट आंसर। शी ओनली शुक हर हैड एट हिम। पीटर बिगन टू क्राई। पुराना चूहा आया, वो वहाँ से अंदर बाहर जाना कर रहा था। पीटर ने जब उससे पूछा कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ से है, तो उसके मुंह में जो था वो मटर का दाना था, तो वो आंसर नहीं दे पाया, उसने केवल अपना सिर हिलाया। पीटर ने रोना स्टार्ट कर दिया। ही वेंट बैक टूवर्ड्स द टूल शेड बट सडनली क्वाइट क्लोज टू हिम ही हियर्ड द नॉइज ऑफ ए हुई स्ट्रिच स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रिच। द फर्स्ट थिंग ही सॉ वॉज मिस्टर मैक जॉर्जस होलिंग ऑनियंस। हिज बैक वॉज टर्न टूवर्ड पीटर एंड बियॉन्ड हिम वॉज द गेट। पीटर जो था वो टूल शेड के वहाँ गया, जिसने होए होए जो होता है वो वाइल्ड प्लांट्स होते हैं उनको हटाने के लिए टूल होता है, उसकी आवाज़ सुनी। उसने मैक जॉर्जस को देखा जो ऑनियन के बीच में काम कर रहे थे, और उसे वहीं गेट दिखा। पीटर स्टार्टेड रनिंग एज फास्ट एज ही कुड गो। पीटर ने तेजी से भागना स्टार्ट किया, जितनी तेजी से वो भाग सकता था भागा। ही स्लिप्ड अंडरनीथ द गेट एंड वॉज सेफ एट लास्ट इन द वुड आउटसाइड द गार्डन। वो गेट के नीचे से निकलकर गार्डन के बाहर निकल गया। पीटर नेवर स्टॉप्ड रनिंग और लुक्ड बिहाइंड हिम टिल ही गॉट होम। जब तक वो घर नहीं पहुंच गया उसने ना रुका और ना पीछे मुड़कर देखा। ही वॉज सो टायर्ड डेट ही फ्लॉप्ड डाउन अपॉन द नाइस सॉफ्ट सैंड ऑन द फ्लोर ऑफ द रैबिट होल एंड शट हिज आईज। His mother was busy cooking. She wondered what he had done with his clothes. Peter was not very well during the evening. Peter जो था वो पूरी तरह से थक गया था, और जब वो घर पहुंचा तो वहां पर जो नाइस सॉफ्ट जो सैंड होती है मिट्टी होती है वहाँ पे फ्लोर पे वहाँ पर वो अपनी आइस बंद करके सो गया। उसकी मदर जो थी वो खाना बनाने में बिजी थी। उसकी मदर ने सोचा कि इसने अपने के कपड़ों के साथ क्या किया है। पीटर जो था उस शाम बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, उसे बहुत उसकी तबीयत खराब लग रही थी, बीमार सा महसूस कर रहा था। हिज मदर पुट हिम टू बेड एंड मेड सम कैमोमाइल टी। उसकी मदर ने उसको बेड पर सुलाया और उसके लिए कैमोमाइल टी बनाई। शी गेव अ डोज ऑफ इट टू पीटर। और उसने उसको कैमोमाइल टी का एक डोज दिया। एंड फ्लॉपी मॉप्सी एंड कॉटन टेल हैड ब्रेड एंड मिल्क एंड ब्लैक बेरीज फॉर सुपर। और फ्लॉपी मॉप्सी और कॉटन टेन ने ब्रेड और मिल्क और ब्लैक बेरीज खाई। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी जो बड़े कहते हैं उनकी बात सुनना चाहिए। थैंक यू।